अब देखिए खबर हांसी से है, जहां पर आईटीआई छात्राओं ने महिला प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्राओं के कैरेक्टर को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। अब इसे लेकर छात्राओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वही मामले में स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि आईटीआई परिसर में रील्स बनाने से रोकने पर छात्राएं उन पर झूठे आरोप लगा रही है। सर प्रिंसिपल गाली गलौच देती है, उल्टा बोलती है सर, क्लास में आके इंसल्ट करती है सर, टॉर्चर ये करती है, पीएन को भेजती है सर हमारे घर पे, और प्रिंसिपल खुद अब पीएन सर खुद बात करवाता है प्रिंसिपल से अपने फोन। सभी लड़कियों के करैक्टर पर उंगली उठाई थी, करैक्टर के बारे में तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा क्योंकि हम माताएं बहने हैं, देखो वो भी एक लेडीज है, हम भी लेडीज है, अगर हमारे बारे में कहा जाता तो हम तो उठेंगे, हम नहीं सह सकते करैक्टर के बारे में। वो बकायदा ये कहा जाता है तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट्स में ये लिख दूंगी रेड पेन से कि तुम करैक्टर लेस हो। एक सेकंड में सर, एक सेकंड में, और तुम्हें कहीं भी नौकरी जॉब पढ़ने के लायक नहीं रहोगे, ये कौन सा मतलब हुआ सर? आईटीआई से हैं, इनकी कुछ समस्या है प्रिंसिपल को लेकर, मैंने इनका ज्ञापन ले लिया और जो भी एक मिनट आप साहब और डीसी साहब को मैं अवगत करवा दूंगा। बच्चे गलत है क्योंकि 9 से 4:40 का टाइम है आईटीआई का, उस दौरान बच्चे वीडियोस बना रहे हैं अपने आईटीआई में बना रहे हैं सर, और इंस्टा पे चढ़ा रहे हैं, और आईटीआई स्टाफ के नाम पे आईडी है बनाई हुई जो कि हमारी ठीक नहीं है हमारे लिए। ये सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है सर। सर मैं ना बच्चों के जब क्लासेस में जाती हूँ ना एक्टिविटीज अच्छी नहीं दिखी मुझे सर, फोन यूज कर रही है सारी, और वीडियोस मैंने एक दो बार बनाते हुए देखा उनको, मैंने सोचा अभी इनको टोकती हूँ, जब टोका तो फिर उन्होंने अभी आप एलिगेशन जो आप बता रहे हो वो इसी वजह से, जब मैं राउंड पे गई थी उस टाइम टीचर नहीं था जब ये वीडियो बना रहे थे, टीचर चाय पी रहे थे सर। नहीं सर मेरी यहाँ तो ऑफिस में तो कोई बात नहीं हुई, और बाकी मैंने वहाँ पेरेंट्स बुला रखे थे अपना सदर में, उनको मैंने बता दिया।